हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने टू स्ट्रोक इंजन के बारे में जाना था, आज हम लोग देखने वाले फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग और उसकी प्रिंसिपल के बारे में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। फोर स्ट्रोक इंजन में चार प्रोसेस होती है, जिस तरह से टू स्ट्रोक इंजन में हम लोग ने देखा था सेक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। और हर स्ट्रोक में जो होता है, हर हम लोग का जो स्ट्रोक है, सेक्शन हो चाहे कंप्रेशन हो, उसके लिए क्रैंक जो है 180 डिग्री मूव करेगा यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन में। जबकि हम लोग ने देखा था कि 180 डिग्री मूवमेंट जब टू स्ट्रोक की बात कर रहे थे इंजन में, तो वहां पे केवल 180 डिग्री में टू स्ट्रोक दो स्ट्रोक एक साथ हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक होगा। यहाँ पे हम लोग पोर्ट का इस्तेमाल करते थे, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्पार्क प्लग वही रहेगा, सिलेंडर वैसे रहेगी। यहाँ पे हम लोग पिस्टन रिंग का यूज भी करते हैं, पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग और एक और जो रिंग है वो हम लोग का कौन सा है, ऑयल रिंग। यहाँ पे दो तरीके रिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। ये पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, बाकी क्रैंक यहाँ क्रैंक साफ से चलाया जा रहा है, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जब जो पिस्टन है हम लोग का, वो ऊपर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो एटमोस्फियरिक एयर है वो अंदर आना चालू, वाल्व को ओपन करके अंदर आना चालू हो जाता है। तो यहाँ सेक्शन होता है फर्स्ट स्टेप में, तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ और ये सेक्शन हो गया। अब ये जो सेक्शन के बाद क्या होता है कि जब अंदर एयर फिल हो गई, तो उसके बाद जो पिस्टन है वो नीचे से फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। तो क्या होता है कि दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और यहाँ पे एयर जो है वो हम लोग का जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो क्या होता है कि कंप्रेस हो जाता है। अब ये जो कंप्रेस फ्लूइड हम लोग का है वो क्या होता है, फिर स्पार्क प्लग के थ्रू उसको स्पार्क किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाता है। फिर जब एक्सपेंशन होता है तब भी वाल्व दोनों क्लोज होते हैं। फिर एक्सपेंशन के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है कि जो अंदर वाला हम लोग का बर्न गैसेस है वो क्या होती है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और बर्न गैसेस बाहर निकल जाती है। ड्यूरिंग जब हम लोग का एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, यानी कि नीचे से टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जब पिस्टन मूव करता है, तो कुल मिला के इसकी वर्किंग इसी तरह से है। सो थैंक यू गाइस, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रैमजेट इंजन और टर्बोजेट इंजन के बारे में। थैंक यू।